हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आईटी सेक्टर की एक शानदार कंपनी जो कि काफ़ी अंडरवैल्यूड है अभी भी, जबकि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और हो सकता है कि शेयर पे कोई एफआईआई आके नज़र पड़ जाए, तो शेयर में हमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी का नाम है इंटेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 63 रुपीज़ का एंड 52 भी खाया था 120 रुपीज़ का। इसका अगर देखिए हम आईटी सेक्टर की ये सभी चीज़ें काम करती है। इनके जो कस्टमर्स हैं इंडिया में नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी इनके कस्टमर्स हैं, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसके फंडामेंटल्स हम लोग जान लेते हैं। इसका पीई है 7.74, मतलब अभी भी काफ़ी सस्ते पीई पर, सस्ते वैल्यूएशन पर हमें मिल रही है। ईपीएस है 8.25, जो कि बहुत ही शानदार है इसके रेट के हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01। कंपनी पे डेट करीब करीब नहीं है, डेट ख़त्म कर दिया है कंपनी ने। और इसका अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स के पास 18% है। एफआईडीआर की कोई होल्डिंग नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग 18% है। पर देखिए, काफ़ी कंपनियां जो होती है आईटी सेक्टर की, वो प्रोफेशनली मैनेज होती है, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो सेप्टेम्बर 2020 में प्रॉफिट था 3 करोड़ 13 लाख रुपीज़, जून 2021 में वो हो गया 1 करोड़ 91 लाख रुपीज़, एंड सितंबर 2021 में वो बढ़कर हो गया 3 करोड़ 37 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। और इसका एक भी क्वार्टर पिछले 12-15 क्वार्टर में एक बार भी लॉस बुक नहीं किया है कंपनी ने। इनका जो प्रॉफिट है जनरली 2 करोड़ टू 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसा ही रहता है, बीच बीच में 10-12 करोड़ भी आया है। तो इसीलिए कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। 62 रुपीज़ का इसका 200 DMA का वैल्यू है और हमें मिल रही है 63 रुपीज़ में। दोस्तों, आप इसको बाय करके रख दीजिए। आपने शॉर्ट अभी कुछ दिनों में देखा होगा कि जैसे बिरला शॉर्ट बहुत ज़्यादा भागा, ट्रेजा सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा भागा, राम इन्फो बहुत ज़्यादा भागा, क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर्स थे। वैसा ही इंटेंस टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है। ये अगर इसमें तेज़ी शुरू हो गई तो आपको हाथ में आएगा नहीं दोस्तों। और इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है 86 रुपीज़ और हमें मिल रहा है 63 रुपीज़ में। इसका ग्राम नंबर है 84 और हमें मिल रहा है 63 रुपीज़ में। तो सब एंगल से ये शेयर काफ़ी अंडर वैल्यूड है। कंपनी शानदार है और अच्छा चलता है। ये शेयर अभी 200 DMA के आसपास मिल रहा है, तो आप जरूर कंसिडर कीजिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। अभी मार्केट गिरेगा तो हो सकता है ये 62-60 के रेट तक भी जाए, और यही इसका बॉटम आउट रेट है। तो थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए एवरेजिंग करके, क्योंकि मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको 100 to 200 के लेवल भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इसका 52 भी खाया था 120 का और हमें सिर्फ करीब करीब 50% वैल्यूएशन पर अभी ये मिल रहा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ऐड करने के लिए। ये फंडामेंटली साउंड कंपनी इंटेंस टेक्नोलॉजीज़, और इस बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।